टीम में सीनियर प्लेयर भी हैं, कैप्टन वगैरह लंबा अरसा रहे हैं, शान मसूद ने कैप्टन है, बाबर आजम भी हैं यकीनन टीम में, तो किस तरह टीम को लेके चलते हैं एज अ सीनियर, बाबर शान उनको कप्तानी के हवाले से अभी मदद करते हैं? लेकिन आई थिंक शान का जो है पहले तो फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तानी कप्तानी कर रहा है, आई थिंक किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ऑनर की बात होती है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इतनी हाईएस्ट लेवल पे, और उसको पहले बहुत बहुत मुबारकबाद अगेन। और जहाँ तक रही बात कप्तानी की, जो देखें अभी तक बहुत अच्छा ले कर चल रहे हैं हफीज़ भाई के साथ, उनकी जो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आई थिंक बाबर का रोल भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जितना मैंने कैंप में देखा है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और टीम के जो भी प्लान्स वगैरह होते हैं तो उसमें बाबर जो है वो शान मसूद के साथ साथ है, तो ये अच्छा साइन है कि जो आपका पहले कैप्टन रह चुका है तो वो जो टीम की उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अच्छा, आप एज अ पर्सनल प्लेयर अपना क्या गोल लेके आए हैं आप ऑस्ट्रेलिया में, आप क्या समझते हैं कि ये मेरे गोल है, मैंने सेट किया, माइंड बंदे का होता है? देखिए पर्सनल गोल ऑब्वियसली आपके पर्सनल गोल होते हैं, लेकिन अगर जब हम वहाँ से निकले थे तो एज अ टीम गोल बना के निकले थे कि हमने यहाँ पे अच्छे क्रिकेट खेलनी है और कोशिश यही करनी है कि सीरीज जीतनी है, तो पर्सनल गोल यही कि जाहिर सी बात है अगर मौका मिलता है तो कोशिश करेंगे बैटिंग और कीपिंग में टीम के लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करें। सरफराज भाई, मलिक रियाज दुनिया टीवी से, आप और रिजवान दोनों मैच में स्क्वाड में, अगर दोनों मैच में खेलते हैं तो बतौर बल्लेबाज या बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, क्या रोल आपको मिलेगा और आप उसको निभाएंगे? देखिए बिल्कुल, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप किसी भी रोल के लिए तैयार रहते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी टीम मैनेजमेंट हम दोनों को रोल देगी तो दोनों उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, फिलहाल तो ये बताइए कि वेदर कंडीशन और उसके बाद दूसरा जो वर्ल्ड चैम्पियन टीम के साथ हमारा टेस्ट होने जा रहा है, इस कंडीशन के हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी और क्या कहेंगे? देखिए अगर आप वेदर के हवाले से बात करें, कल आपके सामने सारा वेदर जो है वैसे, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो फुली हमें इसी टाइप का वेदर मिलेगा जैसे आज सनी वेदर है। और जहाँ तक रही टीम की बात है, देखें आप टॉप क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अपने मुल्क में टफ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको टफ टाइम दें हर शोबे में, और हमारी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हम कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें ग्राउंड के अंदर। सरफराज भाई, दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टीव स्मिथ हैं, डेविड वार्नर जो कि अपना आखिर टेस्ट मैच खेल रहे हैं उनके साथ, उस्मान ख्वाजा हैं, इस तरफ बाबर आजम रिजवान, एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन दोनों की तरफ, तो बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं, तो क्या समझते हैं किसका पल्ला भारी होगा? देखें ऑब्वियसली अगर आप ऑन पेपर बात करेंगे दोनों टीमें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो आपको देखें आप क्रिकेट की जो है आपको ग्राउंड के अंदर अच्छी खेलनी पड़ेगी, उनके पास टॉप क्वालिटी बैट्समैन है, हमारे पास भी अगर आप बात करते हैं तो हमारी अगर टेस्ट टीम देखते हैं आप ऊपर से देखें, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक हैं, शान मसूद हैं, बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, रिजवान हैं, तो सारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सेटल्ड हैं, पिछले दो साल से ऑलमोस्ट हमारी डेढ़ साल से हमारी यही टेस्ट टीम जो है खेली जा रही है, ऑब्वियसली उनकी भी टेस्ट टीम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुकाबला अच्छा होगा, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है तो हमारे पास भी हसन अली और शाहिन शाह अफरीदी मौजूद है। देखिए बिल्कुल आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो जो भी अगर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीरीज खेल रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको जितना जल्दी आउट कर सके करें, क्योंकि वो उनकी टीम के मेन प्लेयर हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनको स्टार्ट अच्छा लेने दें। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, साजिद पुरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दो सवाल एक साथ करूँगा कि पहला मैच पर्थ में है जो कि बॉलिंग पिच के लिए या बाउंसिंग पिच के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या वहाँ पर हमारी पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेटजी दो स्पिनर के साथ जा रहे हैं या एक ऑलराउंडर थी फास्ट बॉलर एक स्पिनर के साथ, और दूसरा सवाल यह है कि अभी आपकी बहुत अच्छी वो लगी हुई है, आप भी अच्छे फॉर्म में हैं, मोहम्मद रिजवान भी अच्छे फॉर्म में, तो टीम ने क्या डिसाइड किया है कि पहले मैच में जो है आप खेल रहे हैं या रिजवान? देखें दोनों सवाल जो हैं वो टीम मैनेजमेंट से पूछने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि आप उनसे पूछें, जहाँ मैं इतना बता देता हूँ कि हम तैयारी पूरी कर रहे हैं पर्थ के पहले टेस्ट मैच के लिए, जो स्ट्रेटजी की बात है वो आई थिंक आपको जब कप्तान आएंगे या कोच आएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कौन खेलेगा और क्या स्ट्रेटजी है। जी सर, इवेंट्स हैपनिंग क्रिएट टीम से, अच्छा आपने सारे बॉलिंग और बाकी प्लेयर का नाम लिया, क्या आपको लगता है कि नसीम शाह की कमी कहीं ना कहीं आप लोगों को महसूस होगी, क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि हमारी बॉलिंग नहीं हमें मेन जो बहुत सारी जगहों पे हमें मतलब नुकसान दिया है, तो देखिए नसीम शाह की आपको देखें जब आपको देखें आपको जब लगता है ना कि जब आपकी टीम का एक मेन प्लेयर जो है वो टीम से हटता है थोड़ा सा उसका सेटबैक ज़रूर होता है, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे बॉलर हमारे पास मौजूद हैं, हसन अली का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा जो है मीर हमज़ा बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए आए हैं, खुर्रम शहजाद को अपॉर्चुनिटी मिली है, बेस्ट बॉलर हुए डोमेस्टिक के, और उसके अलावा हमारे पास वसीम जूनियर भी मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, आमिर जमाल हैं, तो आई थिंक ये सारे ऐसे बॉलर हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इनको मौका मिलता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा नसीम शाह को जो ये कमी को पूरा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मेरा नाम सना जैद, मैं A1 टीवी एंटरटेनमेंट की तरफ से हूँ, पहले तो वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा अभी आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ, बट एज अ प्लेयर आप कोई समझते हैं कोई चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग दिस
टेस्ट मैच है। देखिए चैलेंजेस तो आपको हमेशा से, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, और चैलेंजेस ये होते हैं कि जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड में खेलते हैं, पिचेस पे खेलते हैं, नेट्स पे आप खेलते हैं, तो आपको नेट्स पे ही बड़े स्ट्रॉन्ग बॉलर मिलते हैं खेलने के लिए अपने बॉलर के अलावा। दस वी विल टेक फर्स्ट इंग्लिश क्वेश्चंस, 2-3 इंग्लिश क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू द वंस प्लीज। Safra, as we said to Shaheen yesterday, welcome to Canberra. Have you played here before? You would have been here a few times. No, I've never been there. So I've been in Sydney, but not in Canberra. What do you make of Marnika Oval so far? Have you been out in the middle to have a look? Yeah, actually, I saw on the TV when the Chris Gayle scored 200 against Zimbabwe in 2015. Yeah, but we saw the ground because yesterday we had a running session, but actually we didn't see the pitch. So hopefully, weather is very nice. So hopefully we'll see the pitch and ready to do the match. This is a bit more like the Australian summer that you were expecting rather than yesterday? Yes, we're expecting same type of weather, hopefully throughout the season. Not so much hail like you got yesterday afternoon? No. What are you guys looking forward to this game? What are you hoping to get out of it? Actually, you know, this is an important game before the Australia tour, so hopefully we will do as much as we want to do practice. So before the test match, it's an important match for us. When you look at the Australian team, do you feel like there's an opportunity there to cause an upset on this tour? It's not upset, you know, if you talk about our team, it's a very settled team. If you're talking about our batting and bowling, so we want to play good cricket against the top quality team. So, inshallah, hope for the best. Is this PM's 11 team a strong outfit? Do you think they'll put up a good test? Yes, if you talk about me last time when I came here in 2016, and this team, you know, this team is very, you know, good team, some quality, good players like Nasir is playing. So they had a good team, so we have a good practice game. You come up against a few of these guys in playing for Pakistan against Australia. You would have seen some of these guys before? Yeah, I think so. I think Michael Nasir and Chris Green, some of the players we play against them. Yeah, right. Yeah. Okay. We'll do fire away, guys. That's a Faraz bhai.